मौजूद है जहाँ पे यहाँ से केरी जो स्टैंड है यहाँ से जाबा तचीचा और मुख्तलिफ रूट पे जाता है, तो यहाँ आप ये हमें बताना पसंद करेंगे कि आप एक कारोबार कर रहे हैं और अच्छा डिजिटल कारोबार है, तो जो ट्रैफिक पुलिस है और दीगर अदारे आपके साथ किस तरह का सलूक करते हैं, अच्छा कर रहे हैं? या मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सरकारी इदारों का, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बड़ा ताउन कर रहे हैं, अच्छा हमारा वक्त गुजर रहा है, ठीक है। और मज़ीद हम लोगों को सरकारी इदारों का ताउन चाहिए, और ट्रैफिक पुलिस है वो हमारे साथ बहुत अच्छे से चल रही है, हम शुक्रगुजार हैं ट्रैफिक पुलिस के और DSP साहब के, तो हमें मज़ीद काफ़ी दिया जाए। और ये जो हमने केरी सर्विस चलाई है ये हवाम के लिए सहूलत के लिए की है, जो हमारे गाँव के लोग हैं जो पैसेंजर यहाँ से गुजरते हैं बैठते हैं उनके साथ, जो लेडीज सवारी होती है हमारे पास यहाँ अच्छी जगह है, उनको यानी किसी किस्म की कोई तकलीफ किसी किस्म का कोई भी वो दिक्कत उनको नहीं होने देते हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। इस वक्त मैं लारी अड्डा के अंदर मौजूद हूँ, हमारे साथ बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स ड्राइवर्स हजरात मौजूद हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको यहाँ आपका कारोबार कैसा जा रहा है और आपके साथ इदारे तावन कर रहे हैं, आपका वक्त कैसा गुजर रहा है इस हवाले से? नाम क्या है जी? मोहम्मद अमजद। सर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है, यहाँ पे हमारे साथ इदारे जितने भी हैं ट्रैफिक पुलिस से तावन कर रहे हैं, बड़ा मुबाम की खिदमत के लिए ट्रांसपोर्ट ये देखो कैरी सर्विस शुरू की हुई है। कौन से रूट पे आप यहाँ से? जाबा तशीशा के रूट पे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैयद आसिफ है। सैयद आसिफ कैसा आप सुनाइए, ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर की जिंदगी कैसी, आप क्या महसूस कर रहे हैं हालात? बस अल्हम्दुलिल्लाह रवा दवा है, चल रहे हैं, सारा दुनिया देख रही है, कोई मसला तो है नहीं है, मुझे तो कोई परेशानी वाली बात नज़र नहीं आती। हम यहाँ से चलते हैं ये साढ़े सारा तरह शीशा रीढ़ा जाबा की साइड पर, हमें तो कोई परेशानी नज़र नहीं आती। आपका क्या नाम है? फजल रहमान जी। फजल रहमान भाई कैसे जा रहे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले मैं DPO मानसरा डिस्ट्रिक्ट मानसरा जनाब अपने जितने भी स्टाफ हैं हमारे इदारे हैं जितने भी इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा तावन किया है, और उनके तावन से और बिलखसूस हम ये अपने आने वाले भाई हमारे रफाकत साहब हैं जनाब आसफ शाह साहब हैं उनका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आवाम को बहुत बड़ा तोहफा दिया ये समझो मंजरे में, खासकर ये ऊपर जो लारी अड्डा में ये जो पुराना हमारा सबका अड्डा है ये तो सिर्फ वैगनों का अड्डा है, यहाँ पे सवारी बहुत बड़ी तंग और बड़ी बंदिश की वजह से वहाँ पे जाती है, मजबूरन जाती है। हमने ये आवाम की रिलीफ के लिए खोले और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा काम भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा और आवाम के साथ भी हम तावन करते हैं और हमारे साथ इदारे भी बड़े तावन करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत